तो अभी पैर से मार रहा था, हमने देखा था। देखिए दोस्तों, ये देखिए कैसे यहाँ पे ये कुरकुरा कुरकुरा बनाते हैं। ये फैक्ट्री है दोस्तों, ये पैरों से डेली मड़ाई करते हैं। और ये देखिए पैरों से मार के जो है, ये देखिए ये मैदा। मन तो आपका भी करता होगा कि ऐसे लोगों को वही जाकर उसी फैक्ट्री में से निकाल कर पीटूं, और जो बचाने आए साथ में उसको भी पीटूं। लेकिन इससे बेटर सोल्यूशन है मेरे पास, क्योंकि आज मैं सभी को बताने वाला हूं कि अगर कोई दुकानदार या उस दुकान का वर्कर आपको ऐसी हरकत करते हुए दिख जाता है, या आप कोई इस तरह की वीडियो देखते हो और उस फैक्ट्री को या उस फैक्ट्री के उस वर्कर को आप जानते हो, तो आपको उसे सबक कैसे सिखाना है और हमारे देश का लॉ इस बारे में क्या कहता है? देखिए दोस्तों, कैसे यहाँ पे टोस्ट बनाने वाली, कुरकुरे बनाने वाली फैक्ट्री में ये जो है पैर से मड़ाई कर रहा है। कितना घिनौना लग रहा है यार, कितना गंदा लग रहा है। चलो आज इसको मैं मारूंगा। चलो उसमें मारते हैं, यही हम लोग खाते हैं, यही जैसा कर रहा है, सारा रोज ऐसे ही करता है। क्या कर रहा है भाई? जी भैया जी, पैर से इसकी मड़ाई कर रहा तू? तो अभी पैर से मार रहा था, हमने देखा था। हाथ से लगा रहे, हाथ से लगा रहे। तेरे पूरी तेरी पूरी वीडियो बनी है हमारे पास। अभी हाथ कैमरा क्या, इसको पैर से कैसे मार रहा था तू? अरे भैया जी, इसका मालिक कहाँ है? मालिक कहाँ है? मालिक का नंबर दे। मालिक का नंबर दे, बाहर क्या, तू मालिक का नंबर दे। ये कुरकुरा बनाते, ये कुरकुरा बनाते हो साला, ये कुरकुरा बनाते तुम लोग, ऐसे ऐसे बनाते हो पैर से? हम लोग खाते हैं इसको। इसको तेरा मालिक कौन है पहले ये बता, तेरा मालिक कौन है? तेरा मालिक कौन है? तू नंबर दे उसका, नंबर दे उसका, उसका नंबर दे। नंबर फोन नहीं है। कहाँ गया है वो? गया कहाँ? वो बाहर गए हैं। बाहर बाहर गए? बाहर। कैसे मार रहा था इसको? एक काम करो, कैसे मार रहा? सुनो अजय, मैं बताता हूँ। सवा नंबर पे फोन मिलाते हैं साले को, जो है प्रूफ। हम भैया जी वो ना करिए आप, क्या तेरे को इतना गुस्सा आ गई मेरे को, बता नहीं सकता कितना ज्यादा गुस्सा आ गई मेरे को। तुम लोग ऐसे ही मतलब पैर से डेली बनाते हो, ये पैर से मार मार रहे हो। गलती हो गई, माफ कर दो, अब ऐसा नहीं करेंगे। मालिक का नंबर दे, मालिक का नंबर दे, मालिक का नंबर दे, मालिक का नंबर दे। तू ये बनाते हैं यार, ये कुरकुरा बना रहा है डेली, ऐसे कुरकुरा बनाता है ये पैर से मार के। मालिक का नंबर दे तू, मालिक का नंबर दे तू पहले, मालिक का नंबर दे। भैया माफ कर दीजिए, अब नहीं होगा। अब वहीं पे ले, 100 नंबर पे फोन करते हैं, ऐसे नहीं। 100 नंबर पे, 100 नंबर पे कॉल करो, 100 नंबर पे कॉल करो, 100 डायल करो, 100 डायल करो, 100 तो अभी मैं बता रहा हूं, 100 डायल करो, 100। माफ कर दो भैया जी, माफ कर दो, गलती हो गई। अब गलती दोबारा नहीं, मालिक निकाल देगा नौकरी से। मालिक का नाम क्या है तेरा? मालिक का नाम क्या है? मालिक का नाम बता। फोन करो 100 नंबर पे, उसको डायरेक्ट वहीं ले चलो, ऐसे मानेगा नहीं। ले चलो उसको वहाँ पे 100 नंबर पे, वहीं पकड़ के फोन करो। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए कैसे यहाँ पे ये कुरकुरा कुरकुरा बनाते हैं। ये फैक्ट्री है दोस्तों, ये पैरों से डेली मड़ाई करते हैं। और ये देखिए पैरों से मार के जो है, ये देखिए ये मैदा मारा हुआ है, हाँ, और पैरों से मार के और जो है ये कुरकुरा डेली तैयार होता है। ये देखिए कढ़ैया है, इसमें छनाई बुनाई सारा करके फैक्ट्री में ऐसे बनाते हैं दोस्तों। और ये पूरा का पूरा दोस्तों इनका जो है, ये डेली का है, मार्केट में यही उतारते हैं, यही लोगों को खिलाते हैं। तो जितना हो सके दोस्तों इसको फैलाइए, ताकि जो है ऐसे लोग जो है पकड़े जाएं। और इसके ऊपर अभी जो है 100 नंबर में भाई जो है कॉल करके इसको बुला के जो है ये फैक्ट्री बंद होती है, सीज हो जाए पूरी फैक्ट्री है। इंडिया में चाय के दीवानों की कोई कमी नहीं है, और ये बेकरी आइटम्स ऐसी हैं जो चाय के साथ सोने पे सुहागा है, अब चाहे वो ब्रेड हो या बन। लेकिन गुस्सा तब आता है जब आपको पता चलता है कि जिस चीज को आप चाय में भिगो भिगो कर खा रहे हो, उस चीज को शायद किसी ने अपने पैरों से बनाया है। और लाचार इंसान तब हो जाता है जब वो इस तरह की कोई बेकरी आइटम खा रहा हो, लेकिन वो किसी भी तरीके से ये पता नहीं कर सकता कि इस चीज को हाइजीनिक तरीके से बनाया भी गया है या नहीं। एंड इसी वजह से इस तरह के लोगों को सबक सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, ताकि कोई और इस तरह की हरकत ना करे और उसके मन में खौफ पैदा किया जा सके। तो बात करते हैं सोल्यूशन की, इन बेकरी वालों से डील कैसे किया जाए, इसका सोल्यूशन क्या है। कई ऑप्शंस हैं, कंज्यूमर फोरम है, सिविल लॉ है, बट आई एम अ क्रिमिनल लॉयर, सो आज सिर्फ क्रिमिनल लॉ की बात करते हैं। सो अगर आपने किसी बेकरी वाले को या किसी शॉप ओनर को या शॉप के वर्कर को खाने में किसी भी तरह की गंदगी मिलाते हुए पकड़ लिया, मतलब आपने उसको रंगे हाथों पकड़ लिया है, देन इन दैट केस यू हैव टू इमीडिएटली कॉल द पुलिस हेल्पलाइन नंबर 100 और 112 एंड इंटीमेट द पुलिस। बट पुलिस आपकी इसमें कोई हेल्प नहीं करेगी, वो मैं आपको आगे बताऊंगा क्यों। लेकिन फिर भी आपको पुलिस को कॉल करना है, और कॉल पर यह बताना है कि आप जिस फैक्ट्री में हो, यहाँ बड़े लेवल पर लोगों को खाने की ऐसी चीजें बेची जा रही हैं जिससे खाने के बाद लोगों की तबीयत खराब 100% होगी, और साथ में कई नई बीमारियां भी लोगों को इस वजह से होंगी। बट बी पेशेंट, पुलिस इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी, इसलिए नहीं कि करप्शन है, बट इसलिए बिकॉज इट्स अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, बिकॉज एज पर सेक्शन 273 ऑफ इंडियन पिनल कोड
जान के खाने की ऐसी चीजें बेचना जो खाने लायक बिल्कुल भी नहीं है, ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है जिसके लिए उस फैक्ट्री ओनर को या शॉप ओनर को या वर्कर को एज द केस में भी मैक्सिमम 6 महीने तक की जेल हो सकती है और फाइन अलग से। एंड एज पर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर नॉन कॉग्निजेबल केसेस में पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती विदाउट द ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट। आपको डायरेक्टली कोर्ट अप्रोच करना है एंड देयर आफ्टर कोर्ट विल डायरेक्ट द पुलिस टू इन्वेस्टिगेट द मैटर इफ इट इन्वॉल्व्स अ लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। दैट्स ऑल। अरे हाँ, वो छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था। हाँ, बढ़िया, छोटा सा।